Hello friends, welcome to SEEKHSHA. So how are you all? I hope everyone is doing fine. So friends, industrial relation and labor law ke kuch approaches already hum kar chuke hain, and this video is regarding the pluralist approach. Alright, though ye maine pehle bhi jab theories wagera discuss kiye the tab bhi humne isko discuss kiya tha. Okay, phir bhi let us view it quickly. MCQ courses agar aap purchase karna chahte ho description mein link hai, and PDF files ke liye bhi description mein link hai. WhatsApp kar sakte ho agar koi doubt hai is number par, ya fir aap mail kar sakte ho. Now let us quickly see the pluralist approach. Now pluralist approach mainly kis cheez ke upar focus karti hai? Pluralist approach kehti hai ki conflict ko resolution karna zaruri hai, theek hai, rather than its generation. Basically pluralist approach says ki agar koi bhi organization hai to uske andar conflict to aayega hi aayega. Aap is cheez ke upar focus na karengi conflict generate hi na ho, kyunki conflict generate hona natural hai. Jahan par log hain, jahan par मल्टीपल ग्रुप्स हैं, वो काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कन्फ्लिक्ट विल बी देयर. ओके, सो कन्फ्लिक्ट जनरेशन को आप कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते हो. तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग जो कन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है उसको रिजॉल्व कर सकते हो. ओके, और इन अदर वर्ड्स ऑफ द प्लूरलिस्ट, द इंस्टीट्यूट ऑफ जॉब रेगुलेशन, आपको जॉब को रेगुलेट करना है ताकि जो कन्फ्लिक्ट अराइज हो रहे हैं वो एज सुन एज पॉसिबल रिजॉल्व भी हो जाए. ठीक है, केर जो है, इट इज़ वन ऑफ, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट्स ऑफ प्लूरलिज्म. अकॉर्डिंग टू केर, द सोशल इन्वायरमेंट, जो जिस इन्वायरमेंट के अंदर वर्कर्स काम कर रहे हैं वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट का. अगर जो आपके वर्कर्स हैं वो एक आइसोलेटेड मासेज हैं, आपने उनको आइसोलेशन के अंदर रखा हुआ है, उनका वाइडर सोसाइटी के साथ कॉन्टैक्ट नहीं है, तो ज़्यादा आपको स्ट्राइक्स देखने को मिलेंगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. दूसरी तरफ आपके जो वर्कर्स हैं वो उनका वाइडर सोसाइटी के साथ अच्छा खासा कॉन्टैक्ट है. ठीक है, भले ही वो इतने बड़े ग्रुप्स नहीं है, एक तरफ आपके 100 वर्कर्स का ग्रुप है, ठीक है, इन 100 वर्कर्स को आपने एक साथ रखा हुआ है एंड दे आर कम्प्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड. ये वर्कर्स ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्राइक करेंगे एज कम्पेयर टू आपका ग्रुप जो है वो 10 वर्कर्स का है. 10-10 वर्कर्स का आपका ग्रुप है, बाकी के ग्रुप्स का कोई इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन वाइडर सोसाइटी के साथ उनका कॉन्टैक्ट है, तो वो कम स्ट्राइक्स करेंगे. ओके, जब जॉब जो है वो प्लेजेंट हो जाएगा एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉय उसको इन्जॉय करना लगेगा और वो अच्छे से सोसाइटी में इंटीग्रेट भी हो गया, तब स्ट्राइक्स अपने आप कम हो जाएंगी. ऑलराइट, तो देखो मेन, अगर प्लूरलिस्ट अप्रोच को गूगल करोगे तो मेन चीज़ सबसे पहले क्या आती है, वो ये आती है कि ये कन्फ्लिक्ट को क्या समझते हैं, कि कन्फ्लिक्ट तो होना ही होना है, आप उसको रेजोल्यूशन के ऊपर काम कर सकते हो. ठीक है, उसके अलावा आपके रॉस एंड हैटमैन हैं, ये भी प्लूरलिस्ट्स हैं. इन्होंने कुछ कंपैरिजन किया नेशनल लेवल पर डिफरेंट कंट्रीज़ के ऊपर, तो इनके हिसाब से जो कंट्रीज़ इंडस्ट्रियलाइज हो रही हैं, जो सोसाइटीज़ इंडस्ट्रियलाइज हो रही हैं, जिनके अंदर प्रॉपर एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बन गया है. इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर क्या है कि सब कुछ स्ट्रक्चर्ड है, सब कुछ लॉ में लिखा हुआ है, कानून बने हुए हैं, कोड बने हुए हैं, सोशल सिक्योरिटी लेबर को प्रोवाइड की जा रही है, वर्कर्स को प्रोवाइड की जा रही है. तो ऐसी सोसाइटीज़ जहाँ पर ये सब डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं वहाँ पर स्ट्राइक्स जो हैं वो कंपैरेटिवली कम होती हैं. ओके, पूरी दुनिया में ये चीज़ देखने को मिली है. हालांकि इन कंट्रीज़ में जहाँ पर सोसाइटीज़ इंडस्ट्रियलाइज हो चुकी हैं, फ्रेमवर्क्स डेवलप हो चुके हैं, ट्रेड यूनियंस एज कम्पेयर ज़्यादा होंगी टू द कंट्री जहाँ पर ये सारे सिस्टम अभी डेवलप नहीं हुए हैं, जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस अभी चल रहा है. ठीक है, लेकिन फिर भी स्ट्राइक्स का जो क्वांटम है वो इन कंट्रीज में एज कम्पेयर्ड कम रहेगा. नाउ द थ्योरीज ऑन प्लूरलिज्म वर इवॉल्व इन मिड 60s के अराउंड और अर्ली 70s के अराउंड. ये मेनली इवॉल्व हुई थी जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट दोबारा से रिसर्जेंस दोबारा से सामने आ रहे थे. ठीक है, However, the recent theory of pluralism emanate from the British scholar and in particular Flanders and Fox. Okay, so Flanders क्या कहते हैं कि conflict inherent है industrial system में, जो बाकी pluralist कह रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं. ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि एक formal system होना चाहिए collective bargaining का, जो government approved, law approved system होना चाहिए collective bargaining का, जिसमें आपके employer, employee और third party बैठ करके conflict resolution पर काम कर सकें. ठीक है, अब Fox क्या कहता है, Fox कहता है कि दो different aspects होते हैं relationship के worker और management के बीच में. पहला एस्पेक्ट क्या होता है, पहला एस्पेक्ट होता है मार्केट रिलेशनशिप, जिसमें टर्म एंड कंडीशन, जिसके ऊपर लेबर को हायर किया जा रहा है. ठीक है, कितनी सैलरी है, क्या उसको बोनसेस एक्स्ट्रा मिलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन कैसे होना है, तो इकोनॉमिक करेक्टर रहता है इसका. सेकेंड एस्पेक्ट होता है कि मैनेजमेंट लेबर के साथ डील कैसे कर रही है, इंटरेक्शन दोनों का कैसा है, क्या पोलाइट इंटरेक्शन है,
या इंटरेक्शन है ही नहीं बिल्कुल भी लेबर के बीच में और वर्कर मैनेजमेंट के बीच में, वर्कर्स के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में. वर्कर्स जो हैं वो अपने कंसर्न्स जो हैं मैनेजमेंट तक नहीं लेकर के जा पा रहे. क्या यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में नेगोशिएशन का स्कोप है? पावर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में, कंप्लीटली अथॉरिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है या फिर पावर का डिवोल्यूशन हुआ है? क्या ट्रेड यूनियंस अलाउड हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में? ट्रेड यूनियंस में पार्टिसिपेशन अलाउड है? क्या जॉइंट डिसीजन मेकिंग हो रही है, ऐसे डिसीजंस जो वर्कर को भी इम्पैक्ट कर रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें, दो तरह के रिलेशनशिप आ गए, मार्केट और दूसरा थोड़ा सा पर्सनल रिलेशनशिप की तरफ आ गया. तो मोटा मोटा प्लूरलिस्ट अप्रोच जो है कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की इस तरह से बात करता है. अब प्लूरलिस्ट अप्रोच के जो मेजर क्रिटिक्स हैं वो है मार्क्सिस्ट, क्योंकि प्लूरलिस्ट अप्रोच वालों ने क्या कहा कि एक प्रॉपर सिस्टम डेवलप होगा, फॉर्मल सिस्टम डेवलप होगा कलेक्टिव बार्गेनिंग का, इंडस्ट्रियलाइज में प्रॉपर एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर हो गया. मार्क्सिस्ट क्या कहते हैं कि इससे तो एक्सप्लॉयटेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जो ये इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है ये वर्कर के फेवर में काम नहीं करता, ये एम्प्लॉयर के फेवर में काम करता है. ठीक है, और बस अब सिर्फ फर्क क्या हुआ है, एक सोशल स्ट्रक्चर आपने ऐसा क्रिएट कर दिया है जहाँ पे आप वर्कर को ये बोल सकते हो कि ये एक बेटर पेड वेज स्लेब है. आपने कह दिया कि ठीक है भाई, हम इन्फ्लेशन के हिसाब से तेरे को डीए एडजस्ट करके देंगे, ये देंगे वो देंगे. लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है, जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ का प्रॉब्लम है, जो मेजर प्रॉफिट टेकिंग जो एम्प्लॉयर कर रहा है वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है. एंड दिस इज अ मोर फॉर्मल सिस्टम ऑफ स्लेवरी दैट इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड बाय फॉलोइंग दिस प्लूरलिस्ट अप्रोच. ये मार्क्स अप्रोच का कहना है. ठीक है, चलिए. सो यहां पर हमारा प्लूरलिस्ट अप्रोच खत्म हो जाता है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. फिर भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हैं. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय.